देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के कल्याण के लिए उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण समझा और इस दिशा में उन्होंने एक के बाद एक कई कदम उठाए। 2014 से पहले बदहाल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत में सुधार लाने के लिए उन्होंने तेजी से विकास किया और आज देश चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की राह पर है। देश में नए मेडिकल कॉलेज बनवाए, विश्व स्तरीय चिकित्सा तकनीकों को अपनाया, न्यू हेल्थ पॉलिसी और ई हेल्थ जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत देश में 23 नए एम्स का निर्माण कराया। फिट इंडिया मूवमेंट, योगा डे, आयुष्मान भारत और डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जैसी मुहिम शुरू की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को 2 एम्स की सौगात दी है। पूर्वांचल का व्यक्ति बीमार होता था तो उसे पता नहीं चलता था कहां जाऊं, कैसे जाऊं, इलाज कहां करवाऊं। ये पूर्वांचल को एम्स देकर के मैंने यहां के गरीबों की बीमारी की भी चिंता करने का काम ईमानदारी के साथ किया है। मेरे भाई, गोरखपुर में 1011 करोड़ की लागत से 112 एकड़ में विस्तृत 18 स्पेशलिटी व 17 सुपर स्पेशलिटी विभागों वाले एम्स का निर्माण कराया गया है। देश का सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल एम्स, जिसमें इलाज करवाने के लिए प्रदेश के लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, वो एम्स अब गोरखपुर में आ गया है, जिससे पूर्वांचल के साथ साथ पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड सहित पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी उच्च स्तर की चिकित्सकीय सुविधाओं से वंचित नहीं होना पड़ेगा। 750 बेड और 14 ऑपरेशन थिएटर की क्षमता वाले गोरखपुर एम्स में सिटी स्कैन, एमआरआई एवं अल्ट्रासाउंड की सुविधा सहित कई गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा के 25 से अधिक पाठ्यक्रमों सहित MBBS की 125 सीटें हैं। गोरखपुर एम्स के निर्माण से स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और आवागमन बढ़ने से स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। आज आजादी के 75वें वर्ष को पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी गोरखपुर एम्स को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ भारत, सुरक्षित भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती देगा। सोच ईमानदार, काम दमदार।